सो गाइस, जैसा कि अब रोड टू रॉयल रंबल हो चुका है शुरू, जिसकी वजह से हमें स्मैकडाउन एंड रॉ में कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, रेसलमेनिया में हुआ मैच देखने को मिलने वाला है, टूर्नामेंट स्टार्ट होते हुए दिखने वाला है। इसके अलावा और भी काफी कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का स्मैकडाउन का रिटर्न। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, CM Punk हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले, फिर उसके बाद वाली रॉ में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से वो हमें WWE में देखने को नहीं मिले। लेकिन फाइनली जाकर इस वीक के स्मैकडाउन में वो आने वाले, एंड उनका रिटर्न स्मैकडाउन में लगभग 10 सालों के बाद होने वाला है, यानी कि यहाँ पर काफी बड़ा मूवमेंट होने वाला है। एंड शायद से CM Punk की ये वन टाइम अपीयरेंस ये स्मैकडाउन में, बिकॉज रॉ में उन्हें एडम पियर्स करने वाले हैं साइन, इसलिए जो भी हमें उनका सेगमेंट देखने को मिलता है वो एक वन टाइम थिंग ही होगी। एंड हाँ, एक काफी बड़ी थिंग भी हो सकती है इस वीक के स्मैकडाउन में CM Punk के साथ, तो वो क्या है वो आप सब इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचेस, जिसमें से पहला मैच होने वाला है ड्रैगन लीव वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच, एंड सेकंड मैच होने वाला है कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। अब जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें लोगन पॉल देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है, वो हमें पता चलते हुए दिखने वाला है एक टूर्नामेंट से, जिसके पार्टिसिपेंट्स तो उन्होंने रिवील कर ही दिए थे, एक NXT से भी सरप्राइज पार्टिसिपेंट होने वाला है। बट हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली एंड बॉबी लेस्ली वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच ये दो बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पर जीतने के ज्यादा चांसेस सैंटोस एस्कोबार एंड बॉबी लेस्ली के ही रहने वाले हैं। बट हाँ भाई, कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच एक काफी कमाल का मैच होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो हम सब रेसलमेनिया 34 में देख चुके हैं, वो है सॉलिड प्लेयर वर्सेस आस्का का मैच। अब जैसा कि लास्ट वीक बियांका बेलर ने आकर कहा कि उनकी अनफिनिश्ड बिजनेस है इयो स्काई के साथ, एंड वो उन्हें चैलेंज करने वाली है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, फिर वहां पर हमें सॉलिड प्लेयर एंड सॉर्जी आते हुए दिखती है, एंड वो भी चैलेंज कर देती है इयो स्काई को, तो देख कर लग रहा है WWE हमें कोई ट्रिपल थ्रेट या फिर फैटल फोर वे टाइप का मैच करवाते हुए दिखने वाली है रॉयल रंबल में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और लास्ट वीक तो बियांका बेलर ने कैरी सेन को हरा दिया था, एंड एक्सपेक्टेड है कि इस वीक हमें सॉलिड प्लेयर भी हराते हुए दिखने वाली है आस्का को। वहीं अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता होगा कि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए AJ Styles को किया जा रहा है एडवर्टाइज, यानी कि एक्सपेक्टेड है AJ Styles हमें इस वीक के स्मैकडाउन में रिटर्न करते हुए दिखने वाले, और पहले तो देखकर लग रहा था कि वो रिटर्न कर चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को, बट अब रैंडी ऑर्टन के आने के बाद इसके चांसेस कम चुके हैं। बट हाँ, उनकी अनफिनिश्ड बिजनेस सोलो सिक्वा के साथ है, बिकॉज सोलो सिक्वा ने ही उन्हें किया है इंजर्ट, तो शायद से हो सकता है हमें सोलो सिक्वा और AJ Styles की फ्यूड चलते हुए दिखे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट तक। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में वो रिटर्न कर हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं सोलो सिक्वा पर। और अब फाइनली बात कर ली जाए Apex Predator रैंडी ऑर्टन एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिले और उन्होंने स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साइन, बिकॉज निक एल्डिस ने उन्हें ऑफर किया था ब्लड लाइन, यानी कि अब शांति से स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन बदला लेते हुए दिख सकते हैं ब्लड लाइन से। और लास्ट वीक तो उन्होंने सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो पर अटैक कर पॉल हेमन को ये कहा कि रोमन रेंस को बता देने कि स्मैकडाउन में डैडी आ चुका है। और इसके बाद आप सभी के मन में यही क्वेश्चन होगा कि भाई रोमन रेंस हमें कब आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही होगा इस वीक के बाद का जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके लिए रोमन रेंस को कर दिया गया है एडवर्टाइज, यानी कि वहां पर तो हमें रोमन रेंस देखने को मिलने ही वाले। लेकिन अगर WWE को सरप्राइज देना चाहती है देन वो रोमन रेंस का रिटर्न हमें इस वीक के स्मैकडाउन में भी करवाते हुए दिख सकती है, जहां पर वो आकर अटैक करे रैंडी ऑर्टन पर। एंड अगर रोमन रेंस नहीं भी आते हैं तो WWE उनका रिटर्न हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ऑफिशियल करते हुए दिख जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए। और हाँ, शो के एंड में निक एल्डिस को भी RKO लगाया था रैंडी ऑर्टन ने, तो क्या रैंडी ऑर्टन पर हमें कुछ फाइन वगैरह पड़ते हुए दिखने वाला है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए गाइस, जब रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की फ्यूड चलने वाली है रॉयल रंबल तक, तो ये बात साफ है स्मैकडाउन में हमें आने वाला है काफी ज्यादा मजा। तो गाइस, यही वो चीजें थी जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि अब रॉयल रंबल हो चुका है शुरू, जिसकी वजह से हमें स्मैकडाउन एंड रॉ में कई सारी बड़ी चीजें देखने को
मिलने वाली है। एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, रेसलमेनिया में हुआ मैच देखने को मिलने वाला है, टूर्नामेंट स्टार्ट होते हुए दिखने वाला है। इसके अलावा और भी काफी कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का स्मैकडाउन का रिटर्न। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, CM Punk हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले, फिर उसके बाद वाली रॉ में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से वो हमें WWE में देखने को नहीं मिले। लेकिन फाइनली जाकर इस वीक के स्मैकडाउन में वो आने वाले एंड उनका रिटर्न स्मैकडाउन में लगभग 10 सालों के बाद होने वाला है, यानी कि यहाँ पर काफी बड़ा मूवमेंट होने वाला है। एंड शायद से CM Punk की ये वन टाइम अपीयरेंस ये स्मैकडाउन में, बिकॉज रॉ में उन्हें एडम पियर्स करने वाले हैं साइन, इसलिए जो भी हमें उनका सेगमेंट देखने को मिलता है वो एक वन टाइम थिंग ही होगी। एंड हाँ, एक काफी बड़ी थिंग भी हो सकती है इस वीक के स्मैकडाउन में CM Punk के साथ, तो वो क्या है वो आप सब इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचेस, जिसमें से पहला मैच होने वाला है ड्रैगन ली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच, एंड सेकंड मैच होने वाला है कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। अब जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें लोगन पॉल देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है, वो हमें पता चलते हुए दिखने वाला है एक टूर्नामेंट से, जिसके पार्टिसिपेंट्स तो उन्होंने रिवील कर ही दिए थे, एक NXT से भी सरप्राइज पार्टिसिपेंट होने वाला है। बट हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली एंड बॉबी लेस्ली वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच ये दो बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पर जीतने के ज्यादा चांसेस सैंटोस एस्कोबार एंड बॉबी लेस्ली के ही रहने वाले हैं। बट हाँ भाई, कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच एक काफी कमाल का मैच होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो हम सब रेसलमेनिया 34 में देख चुके हैं, वो है शार्लोट फ्लेयर वर्सेस आस्था का मैच। अब जैसा कि लास्ट वीक बियांका बेलर ने आकर कहा कि उनकी अनफिनिश्ड बिजनेस है इयो स्काई के साथ एंड वो उन्हें चैलेंज करने वाली है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, फिर वहां पर हमें शार्लोट फ्लेयर एंड शॉर्टजी आते हुए दिखती है एंड वो भी चैलेंज कर देती है इयो स्काई को, तो देख कर लग रहा है WWE हमें कोई ट्रिपल थ्रेट या फिर फैटल फोर वे टाइप का मैच करवाते हुए दिखने वाली है रॉयल रंबल में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और लास्ट वीक तो बियांका बेलर ने कैरी सेन को हरा दिया था, एंड एक्सपेक्टेड है कि इस वीक हमें शार्लोट फ्लेयर भी हराते हुए दिखने वाली है आस्का को। वहीं अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता होगा कि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए AJ स्टाइल्स को किया जा रहा है एडवर्टाइज, यानी कि एक्सपेक्टेड है AJ स्टाइल्स हमें इस वीक के स्मैकडाउन में रिटर्न करते हुए दिखने वाले, और पहले तो देखकर लग रहा था कि वो रिटर्न कर चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को, बट अब रैंडी ऑर्टन के आने के बाद इसके चांसेस कम चुके हैं। बट हाँ, उनकी अनफिनिश्ड बिजनेस सोलो सिक्वा के साथ है, बिकॉज सोलो सिक्वा ने ही उन्हें किया है इंजर्ट, तो शायद से हो सकता है हमें सोलो सिक्वा और AJ स्टाइल्स की फ्यूड चलते हुए दिखे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट तक। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में वो रिटर्न कर हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं सोलो सिक्वा पर। और अब फाइनली बात कर ली जाए एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिले और उन्होंने स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साइन, बिकॉज निक एल्डिस ने उन्हें ऑफर किया था ब्लड लाइन, यानी कि अब शांति से स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन बदला लेते हुए दिख सकते हैं ब्लड लाइन से। और लास्ट वीक तो उन्होंने सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो पर अटैक कर पॉल हेमन को ये कहा कि रोमन रेंस को बता देने कि स्मैकडाउन में डैडी आ चुका है। और इसके बाद आप सभी के मन में यही क्वेश्चन होगा कि भाई रोमन रेंस हमें कब आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही होगा इस वीक के बाद का जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके लिए रोमन रेंस को कर दिया गया है एडवर्टाइज, यानी कि वहां पर तो हमें रोमन रेंस देखने को मिलने ही वाले। लेकिन अगर WWE को सरप्राइज देना चाहती है देन वो रोमन रेंस का रिटर्न हमें इस वीक के स्मैकडाउन में भी करवाते हुए दिख सकती है, जहां पर वो आकर अटैक करे रैंडी ऑर्टन पर। एंड अगर रोमन रेंस नहीं भी आते हैं तो WWE उनका रिटर्न हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ऑफिशियल करते हुए दिख जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए। और हाँ, शो के एंड में निक एल्डिस को भी RKO लगाया था रैंडी ऑर्टन ने, तो क्या रैंडी ऑर्टन पर हमें कुछ फाइन वगैरह पड़ते हुए दिखने वाला है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए गाइस, जब रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की फ्यूड चलने वाली है रॉयल रंबल तक, तो ये बात साफ है स्मैकडाउन में हमें आने वाला है काफी ज्यादा मजा। तो गाइस, यही वो चीजें थी जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।